वेलकम टू लेक्चर नंबर 36 ऑफ कोर्स ऑन बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स वर्चुअल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टूडेंट्स पिछले लेक्चर में हमने एक तो रिव्यू किया परमोटेशन कॉम्बिनेशंस, फिर हमने कॉम्बिनेशंस के कुछ एग्जाम्पल्स किए एंड देन वी वर्क आर वे टू बाइनोमियल एक्सप्रेशन एंड बाइनोमियल एक्सपेंशन और आपने देखा कि कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल बायनोमियल एक्सपेंशन में कैसे होता और आपको एक खास पैटर्न नजर आया क्वेफिशेंट्स ऑफ एक्सपेंशन का किस तरह से अगर एक्स प्लस वाई रेस टू फाइव है तो आपको एक्सप्लेन किया गया कि एलिमेंट्स एक्स एंड वाई एक्स रेस टू फाइव और वाई रेस टू फाइव ये दो एक्सट्रीम्स के जो एलिमेंट्स हैं और दरमियान में कॉम्बिनेशनस के कोफिशंट्स दिखाए गए कि कैसे 5c0 फिर 5c1 5c2 इस तरह से और आपको पॉइंटर्स दिए गए फॉर्मूले के सिंप्लीफाई कैसे किया जा सकता है और एग्जांपल एक दिखाई गई हाउ दीज एक्सपेंशंस कैन बी कन्वर्टेड और ये क्वेश्चन कैसे कन्वर्ट किए जाते हैं तो आपने देखा कि एक्सपेंशन में इनका बड़ा रोल है परमुटेशन कॉम्बिनेशंस का एंड वन शू नो दैथड इट्स वेरी इजी तो इस पे हमारा ट्रीटमेंट ऑफ परमोटेशन कॉम्बिनेशन और फेक्टोरियल्स खत्म हुआ फिर हमने बात शुरू की प्रॉबिबिलिटी की और बड़ी मुख्तर सी बात हुई पिछले लेक्चर में ज्यादा डिस्कशन तो नहीं हो सकी बट आई एक्सप्लेन टू यू वट आ प्रोरी प्रबिलिटी इज एंड वॉट एक्सपेरिमेंटल प्रॉबिलिटी इज ये बड़ी मुख्तर सी डिस्कशन हुई थी आज के लेक्चर में हम इस डिस्कशन को फर्दर लेके जा रहे हैं मैंने पॉइंट आउट किया था पिछले लेक्चर में कि प्रॉबिलिटी है तो बड़ी सिंपल लेकिन इसके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जब फॉर्मुलेट किया जाता है तो अक्सर डाउट शुरू हो जाता है वेदर योर फॉर्मूलेशन इज करेक्ट और नॉट किताबों में भी ये पॉइंट आउट किया गया है अक्सर ऑथर पॉइंट आउट करते हैं कि स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी को समझने में काफी गलतियां करते हैं तो आई होप दैट आवर डिस्कशन टूडे विल क्लैरिफाई मोस्ट ऑफ दीज आइडियाज फॉर यू

और ये उसका दूसरा हिस्सा इस लेक्चर में और ये स्लाइड ब्रीफली लास्ट टाइम भी हमने देखी थी कि मेकिंग असेसमेंट ऑफ चांसेस दिस इज व्हाट इज प्रोबेबिलिटी एंड आई हैड ए फ्यू रिमार्क्स ऑन दिस अब यहां पे आपको एक एग्जांपल दी जा रही है कि अ वर्कर आउट ऑफ 600 गेट्स अ प्राइज बाय लॉटरी और फिर बताया जा रहा है कि चांस ऑफ एनी वन इंडिविजुअल और जिसमें एक खास बात हो रही है कि ये राशिद का क्या चांस है कि यह लॉटरी उसको मिल जाए वट इज द चांस दैट राशिद विल बी सेलेक्टेड टू गेट दैट प्राइज तो ये तो बड़ा सिंपल सा सवाल है कि देर इज वन इंडिविजुअल सिक्स हंड्रेड पॉसिबिलिटीज हैं देर आर सिक्स हंड्रेड इंडिविजुअल्स एक को मिलना है तो ऑब्वियसली दंसर इज वन आउट ऑफ सिक्स हंड्रेड यानी वन डिवाइडेड बाई सिक्स हंड्रेड तो इसको हम कैसे लिखेंगे द प्रोबिलिटी ऑफ द इवेंट और इवेंट क्या है कि राशिद इज सिलेक्टेड दिस इज द इवेंट इज द प्रोबिबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग और फिर उसको लिखा कैसे जाता है कि पीस विद इन ब्रैकेट्स फिर यह लिख रहे हैं इवेंट क्या है कि राशिद का चांस क्या है इक्वल टू तो वन बाई सिक्स हंड्रेड यानी प्रॉबिबिलिटी जो है राशिद की सिलेक्शन की लेक्टेड इट इज वन बाई सिक्स हंड्रेड फिर इसकी फर्दर एक क्वालिफिकेशन यहां की जा रही है आपको बताया जा रहा है कि दिस इज आ प्रोरी मेथड और फाइंडिंग प्रॉबिबिलिटी एज वी कैन असेस द प्रोबिलिटी बिफोर द इवेंट अकर्ड तो इस पर बात हो जाए कि यहां पर वो बात जो आप प्रियोरी की डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन के व्हाई इट इज कॉल्ड आप प्रियोरी के आपको मालूम है आउटकम इज नोन के 600 हंड्रेड देर आर 600 हंड्रेड उनमें से एक को सिलेक्ट आप कर रहे हैं तो नेचुरली यू नो दैट द सिलेक्शन इज वन आउट ऑफ 600 दैट इज वन डिवाइडेड बाय 600 तो इस किस्म के जितने भी इवेंट्स हैं ये आप कह सकते हैं कि इसकी आउटकम इज नोन बिफोर द इवेंट हैज यानी ये जो प्रोबेबिलिटी है इसमें चेंज नहीं आ रही दूसरे एग्जांपल पिछले लेक्चर में मैंने दी थी कि एक कॉइन आप टॉस कर रहे हैं तो यू नो वट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज बिकॉज देर आर ओनली टू आउटकम्स तो द प्रोबिलिटी विल बी वन ऑफ टू यानी हाफ 50% परसेंट so है तो सिमिलरली यू कैन डिटरमिन, इन मैनी सिचुएशंस के चांसेस क्या हैं, मसलन एक टूर्नामेंट हो रही है उसमें सिक्स टीम्स हैं तो क्या चांस है किसी टीम का दैट दैट पर्टिकुलर टीम विल विन तो ऑब्वियसली वन आउट ऑफ सिक्स चांस है तो इस किस्म की कई सिचुएशंस होंगी जहां पे आप डायरेक्टली असेस कर सकते हैं वैल्यूज इज नोन और वन आउट ऑफ द टोटल नंबर जो भी चांस आपको नजर आ रहा है इस तरह से ये आप जो प्रॉबिबिलिटी है इस तरह से वर्कआउट की जाती है तो आइए अगली स्लाइड पे चलें अब यहां पे फर्दर एक्सप्लेनेशन वन ऑल आउटकम्स आर इक्वली लाइकली आ प्रोरी प्रोबिलिटी इज डिफाइंड एज और ये उसकी डेफिनेशन फिर हमें मिल गई और लिख जरा नोट करें कि लिखा कैसे जा रहा है कि पी दैट इज प्रॉबिबिलिटी और विद इन ब्रैकेट्स इवेंट अब ये जनरली टेक्सट बुक्स में स्मॉल लेटर्स में प्रॉबिलिटी लिखी जा रही है पी बट इवन इफ यू राइट कैपिटल पी इट्स करेक्ट इट्स ए सिंबल ओनली लेकिन जो कन्वेंशन है वो स्मॉल लेटर्स में प्रॉबिलिटी को लिखा जाता है स्मॉल पी विद इन ब्रैकेट इवेंट एंड इट्स इक्वल टू नंबर ऑफ वेज दैट इवेंट कैन अकर डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स अब यहां एक और एग्जाम्पल आपके लिए इस फर्दर इसकी एलेबोरेशन है If out of 600 persons, 250 are women, then the chance of a woman being selected is equal to P with an bracket woman equal to 250, that is the number of women divided by the total number of persons, that is 600. So Let me say a word here also. Earlier we talked about one individual out of 600. So we said, what is the chance hai? ये बात हुई थी एनी वन पर्सन वेदर इट्स ए वुमेन ए मैन फिर राशिद की बात थी इट कुड बी एनी बडी एल्स ऑल्सो तो ऐसी जो सिचुएशन है उसमें प्रॉबिलिटी वन ऑफ सिक्स हंड्रेड ही है अब यहां थोड़ा सा डिस्टिंक्शन कर दिया गया कि देर आर टू हंड्रेड फिफ्टी वेमेन आउट ऑफ सिक्स हंड्रेड तो अब प्रोबेबिलिटी क्या है दैट द पर्सन इज सिलेक्टेड इज अ वुमन तो नेचुरली अब चांस जो है वो है 250 आउट ऑफ 600 हंड्रेड दैट इज द चांस तो आपने देखा कि उसी पॉपुलेशन में जब इस किस्म का सवाल रेस किया जा रहा है तो प्रोबेबिलिटी एक और तरीके से कैलकुलेट की गई कि जो एक्चुअल नंबर था फीमेल्स का उसको टोटल नंबर पर यहां पर डिवाइड किया गया and please note that this is also a priori probability you know what the chance is there are 250 women there are 600 persons in all so obviously it is known to you that this chance is 250 by 600 so i slide up further kuch aap ke liye. और पहली बात क्या है कि इन मेनी सिचुएशंस देर इज नो प्रायर नॉलेज टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटीज ये बात मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं मशीन का भी जिक्र मैंने किया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मशीन बीइंग डिफेक्टिव तो इसको कैसे किया जाता है कि मेथड है कि मॉनिटर द मशीन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दैट इज द मैथड फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स इट बिकम्स डिफेक्टिव ये जो अप्रोच है

क्वेशन की शक्ल में आप एक्सप्रेशन लिख रहे हैं अल्जब्रा की इक्वेशन है तो उसमें तो वैल्यू पैरामीटर वो चेंज हो सकते हैं जैसे हमने साइमिलियस इक्वेश में देखा था वैल्यूज चेंज दो मैथमेटिकल इक्वेश की इक्वेश लेकिन अगर इस किस्म की इक्वेशन हो कि जहां पर एक वैल्यू आप बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस आप कह दें कि कि एक सर्टेन फिगर आप स्पेसिफाई कर दें जो हर सिचुएशन में अप्लाई करें तो इसको एम्पेरिकल कहा जाता है कि ये इम्पेरिकल इक्वेशन है यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड दीज पैरामीटर्स ये एक्सपीरियंस पे बेस करके डिटरमिन किए जाते हैं स्टेटिस्टिक्स कलेक्ट की जाती हैं और बेस्ड ऑन दैट इस किस्म के पैरामीटर्स डेवलप किए जाते हैं तो ये एक्सपेरिमेंटल या एम्पेरिकल कि आप इक्वेशन की शक्ल में डिराइव कर लें एक्सप्रेशन लिख लें वहां पे एक फैक्टर लगा दें और आप ये कहें कि नॉर्मली यही फैक्टर अगर हम अप्लाई करें तो ओवर एस्टिमेट अबाउट देंट ऑफ दिस पर्टिकुलर इंसिडेंट विल बी रीजनेबली करेक्ट कि मशीन मशीन का खराब हो जाना डिफेक्टिव हो जाना बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंस हम फिगर्स वर्कआउट कर चुके हैं तो ये एक्सपेरिमेंटल या एम्पेरिकल रिजल्ट्स आप इनको कहेंगे और ये मेथड ऑफ डेवलपिंग प्रोबेबिलिटी इसको कहा जा रहा है कि ये एक्सपेरिमेंटल या एम्पेरिकल अप्रोच है तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चले अब यहां पर लिखा कैसे जा रहा है कि पी इवेंट यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ देंट ऑफ द इवेंट इसको शॉर्ट करके लिख रहे हैं पी विद इन ब्रैकेट इवेंट इक्वल किसके बराबर है ये कि नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स और फिर फर्दर यहां से कुछ बातें निकल रही हैं कि लार्जर द नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स मोर एक्यूरेट द एस्टिमेट और फिर और एक पॉइंट बताया जा रहा है कि एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी अप्रोचेज थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी एज द नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बिकम्स वेरी लार्ज अब यहां एक और लफ्स आ गया कि थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी यानी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी अप्रोचेज थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी एज द नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बिकम्स वेरी लार्ज तो इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि एक बात ख़ास तौर पे कि जब आप डेटा जमा कर रहे हैं और आपने वर्कआउट करना है आउटेजेस क्या हैं व्हाट इज द चांस ऑफ अ फेलियर ऑफ ए सर्टेन मशीन तो आप उसको वॉच कर रहे हैं डे आफ्टर डे और आप काउंट कर रहे हैं तो लेट से डेट यू डिड दिस फॉर ए कपल ऑफ वीक्स टाइम और उसमें आपको पता लगा कि ये मशीन एक दफा फेल हुई है तो अगर आप लेट से वो चौदह दिन मशीन चली और एक दफा फेल हो गई तो आपने कहा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इज वन डिवाइडेड बाई फोरटीन तो इसको दिस में नॉट बी ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव वजह यह कि मशीन्स डोंट फेल इन दिस फैशन इतना फ्रीक्वेंट फेलियर्स नहीं होता तो अगर आप इस पीरियड को एक्सटेंड करके अपना एक्सपेरिमेंट आगे लेके जाते हैं एंड यू हैव लेट से वन हंड्रेड डेज एज अगेंस्ट दीज फोर्टीन डेज तो उसमें जो अकरेंसेस होंगी इट इज पॉसिबल के ओनली टू अकरेंसेस आपके सामने आए टू आउट ऑफ वन हंड्रेड तो आप जरा नोट करें वन आउट ऑफ फोर्टीन की फिगर कंपेयर टू टू आउट ऑफ वन हंड्रेड और अगर आप डेटा जमा कर रहे हैं साल का डेटा थ्री सिक्सटी फाइव डेज अगर चार पाँच साल का डेटा हमारे सामने है तो यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड द सिचुएशन कि ये करेंसेज जो आपके पास आ जाएंगी ये फिगर्स एज द डेटा इंक्रीजेस इन साइज तो इसकी स्टेबिलिटी इस डेटे की बढ़ती जाएगी और वो जो एक असेसमेंट है कि थ्योरेटिकली दिस मशीन विल फेल ओनली अ सर्टन परसेंट ऑफ टाइम यू विल डिस्कवर के लेटर जो एक्सपेरिमेंटल फिगर है वो जो थोरेटिकल एक असैसमेंट की गई है उसके बहुत करीब पहुंच गई है तो ये एक स्टेबिलिटी ऑफ डेटा स्टेबिलिटी ऑफ वर्किंग आउट द प्रोबेबिलिटी ये बड़ा अहम पॉइंट है कि आप पीरियड अक्रेंसेस उसकी स्टेबिलिटी डेटा की इसको आप जहन में रखें कि टाइम पीरियड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो आइए अगली स्लाइड पर चलें यहाँ पर अब बात शुरू हो गई कि डिफरेंट इवेंट्स आपका इंट्रोडक्शन आप करवाया जा रहा कि अगर दो इवेंट हैं ए एंड बी तो वट इज द प्रॉबिबिलिटी ऑफ आईदर ए और बी हैपनिंग किस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाएगा तो इसकी नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज जो है पहली बात कि नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्या है तो प्रोबेबिलिटी इस इसको किस तरह से निकालेंगे कि नंबर ऑफ वेज ए और बी कैन हैपन ये प्रोबेबिलिटी इस तरह से निकलेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी हैपनिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज ए और बी कैन हैपन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज और इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि नंबर ऑफ वेज ए कैन हैपन प्लस नंबर ऑफ वेज

और जब इस टर्म को आप देखेंगे कि नंबर ऑफ वेस ए कैन हैपन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज तो ये प्रोबेबिलिटी है ए की हैपनिंग की और दूसरी टर्म के नंबर ऑफ वेज बी कैन हैपन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज तो दिस इज द पॉसिबिलिटी ऑफ बी हैपनिंग तो क्या नतीजा निकला कि जब और की बात हो रही है ए और बी तो एसेंशली आप यही कर रहे हैं कि प्रॉबिबिलिटी ऑफ ए हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हैपनिंग इस इन दोनों को आप ऐड कर रहे हैं और यहां पे एक बहुत जरूरी बात एक कंडीशन है कि ए एंड बी मस्ट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो इस पॉइंट को डिस्कस करना अब जरूरी हो गया कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का ये मतलब है मसलन हेड और टेल तो या तो आपको हेड मिलेगा और यह आपको टेल मिलेगी ये नहीं हो सकता कि हेड और टेल साइमल्टेनियसली आपको मिले अब ये इस टाइप के जो इवेंट्स हैं दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दूसरी एग्जांपल थी कि या पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं तो ये तो नहीं होगा कि पास और फेल साइमल्टेनियसली सो अगेन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अब कई इवेंट जो हैं, मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं कि डज इट रेन वाइल द सन इज शाइनिंग तो ये आपने देखा होगा कि आमतौर तो पे तो नहीं होता यानी सनशाइन बारिश तब होती है जब क्लाउडी वेदर है बट देर आर मैनी डेज मैनी टाइम्स ये दोनों बातें साइमल्टेनियसली हो जाती हैं यानी बारिश भी हो रही है और सनशाइन भी है तो वी काट से दैट सनशाइन एंड रेन अकार ऑफ रेन एंड सनशाइन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऐसी सिचुएशन में प्लीज नोट कि ये जो आपने अभी देखी डेफिनेशन ऑफ और का इसको कहा जाता है कि और का ये फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का कि इवेंट्स विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी साइमल्टेनियसली उन्हें नहीं होना चाहिए तो इस किस्म के इवेंट्स जब आप कहेंगे कि व्हाट इज द प्रोबिलिटी ऑफ आइदर ऑफ दीज टू अकरिंग तो वो इंडिविजुअल प्रॉबिलिटीज ऐड हो जाएंगी तो लेट्स लुक एट द स्लाइड वंस अगेन कि अब आपको आखिर पे जाके तो ये इक्वेशन बताई जा रही है ये बड़ी अहम इक्वेशन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी अकरिंग क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अब यहां पे एक और बात हो जाए कि ये तो दो इवेंट थे अब अगर तीन इवेंट्स हो बिलिटी ऑफ ए और बी और सी तो वो कैसे होगा सिमिलर सिचुएशन कंडीशन बस एक ही है कि ए एंड बी एंड सी मस्ट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव यानी साइमल्टेनियसली इनकी अकरेंट नहीं होनी चाहिए ए बी और सी और जैसे लिखा जाता है ए और बी और सी इसका मतलब ये है कि इनमें से एक होगा ये नहीं कि वो डिफरेंट हो जाएं ये और जब फॉर्मूला आप लिखेंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा कि वन ऑफ दीज़ तो ऐसी सिचुएशन में अगर तीन इवेंट्स हैं तो उनकी जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो ऐड हो जाएंगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ सी इट डजेंट मैटर हाउ मेनी आइटम्स वी हैव फॉर्मूला यही है प्रॉबिलिटी ऑफ इवेंट ए और बी और सी और डी या करें इनकी जो इंडिविजुअल प्रॉबिलिटीज हैं उनको आपने ऐड करना है तो आइए अगली स्लाइड पे चलें यहां आपको एक एग्जाम्पल दिखाई जा रही है एग्जाम्पल क्या है कि इफ अ डाइस इज थ्रोन वट इज द चांस ऑफ गेटिंग एन ईवन नंबर और ए नंबर डिविजिबल बाई थ्री सो लेट अस डिस्कस दिस फर्स्ट अब ये वो आ गए टिपिकल सवाल प्रोबेबिलिटी वाले के बड़े आसान लेकिन जिस तरह से वो लिखे गए हैं अनलेस यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम तो वो क्लियर ही नहीं होगा कि इसको वर्कआउट कैसे करना है तो यहां पे ऐसे जो प्रॉब्लम्स होते हैं इनको वर्ड प्रॉब्लम कहा जाता है तो यहां पर एक तो बात हुई कि ईवन नंबर डाइस आपको याद होगा कि ये डाइस जिसपे सिक्स आइडेड छ उसकी वो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स जब आप उसको व्हेन यू प्ले डाइस तो उसके डिफरेंट आउटकम्स आपके सामने आ जाती हैं और ये वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स होती हैं तो जब इनको डाइस को हम थ्रो कर रहे हैं तो हम ये पूछ रहे हैं कि इसका वट आर चांसेस के एक नंबर आ जाए जो इवन हो तो इवन नंबर यहां पे क्या होगा इवन नंबर या तो टू है वन टू थ्री फिर फोर इज इवन और फिर सिक्स इज इवन तीन नंबर ये हो गए और दूसरी बात की जा रही है कि डिविजिबल बाई थ्री तो कौन से नंबर हैं जो तीन पे डिवाइड किए जा सकते हैं एक तो तीन है इट और दूसरा है सिक्स अगेन डिविजिबल बाई थ्री तो आइए अब विद दिस बैकग्राउंड इस प्रॉब्लम को देखें स्लाइड पे कि ये कैसे हल किया गया यानी आप नोट करें कि एक्सप्लेनेशन कोई नहीं यहां पे बैकग्राउंड में ही बात है कि इवन जो नंबर्स हैं वो वी फिगर्ड आउट कि तीन नंबर हैं जो इवन है, हैं और सिक्स नंबर्स इनऑल है जो पॉसिबिलिटीज तो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली थ्री बाई सिक्स बनती है इवन नंबर की और पी डिवाइडेड बाय थ्री यानी डिविजिबल बाय थ्री क्या आप डिवाइड कर सकते हैं तीन पे ये मैंने डिव बाई थ्री लिखा है जस्ट टू एज ए रिमाइंडर समझ आ जाए तो इसमें दो नंबर हैं थ्री एंड सिक्स तो इसलिए दो वैल्यूज हुई तो टू डिवाइडेड बाई सिक्स और अब पूरी एक्सप्लेनेशन प्रॉबिलिटी ऑफ ईवन और डिविजल बाई थ्री यानी प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर्स विच आर ईवन और नंबर्स विच आर डिविजल बाई थ्री ये सली जुबान में इसकी एक्सप्लेशन हुई तो इंडिविजल प्रिटीज आपने देखा कि ईवन नंबर्स वाली थ्री बाई सिक्स थी और डिविजल बाई थ्री वाली टू बाई सिक्स थी तो ये फाइव बाई सिक्स हो गया और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पे बात आपको बताई जा रही है बट बिफोर आई एक्सप्लेन दिस लेट मी हैव अनदर वर्ड अब आपको याद होगा कि आपको बताया गया था कि और की जो प्रोबेबिलिटी जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें बड़ा ख्याल रखना है कि इवेंट्स मस्ट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ये ना हो कि वो दोनों साइड पे की इवेंट उधर भी आ जाए और उधर भी आ जाए अब यहां पे आप मुल फरमाए कि एक केस में हमने कहा कि नंबर ईवन नंबर तो उसमें आपने सिक्स सेलेक्ट किया एज नंबर दूसरे केस में आपने देखा कि वहां हम कह रहे हैं डिविजिबल बाई थ्री तो फिर सिक्स सेलेक्ट हो गया तो ये तो वायोलेशन हो गई यानी आपने जो रूल था उस रूल की वायोलेशन कर दी नेचुरली दिस इज नॉट करेक्ट अब इसको कैसे ठीक किया जाएगा इसका एक तरीका है कि यू करेक्ट द सिचुएशन बाई रिमूविंग द वैल्यू के एक नंबर की जो करंट्स है उसको आप रिमूव करेंगे ये नंबर सिक्स तो उससे दैट मीन्स के वन बाई सिक्स से आप इस फिगर को करेक्ट करेंगे फिर आपकी ये वैल्यू ठीक हो जाएंगे तो आइए स्लाइड पर देखते हैं नंबर सिक्स इज नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हेन्स करेक्ट आंसर इज फोर बाई सिक्स यानी फाइव बाई को डिडक्ट किया आंसर अब अगला रूल आपके लिए प्रोबेबिलिटी का एंड रूल इसको कहा जाता है और एंड रूल क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ यहां छोटी सी एग्जाम्पल आपके लिए ए और बी का इस्तेमाल किया जा रहा है एक्सप्लेन करने के लिए प्रबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी हैपनिंग एज प्रॉबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड लेट मी एक्सप्लेन दिस पॉइंट नाउ वही बात है जो हम कर चुके हैं कि डिफरेंट वेज आपको याद होगा जब परमोटेशन कॉम्बिनेशन की बात हुई थी तो वहां यह हमने पॉइंट देखा था कि वट इज द टोटल नंबर ऑफ वेज अगर ए कैन बी डन इन इन सर्ट इन लेट से टू वेज एंड बी कैन बी डन इन थ्री वेज तो वहाँ मैंने आपको ही एक्सप्लेन किया था कि दीज टू कैन टूगेदर बी डन इन सिक्स वेज यानि उनका जो इंडिविजुअल जो वेज थे उनको मल्टीप्लाई किया गया अब एक्जैक्टली exactly यही तरीका है एंड की जब प्रॉबिलिटी कैलकुलेट हम करेंगे तो बिल्कुल यही किया जाएगा कि यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जाएगा यानि आपने ये याद रखना है कि और का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटीज आप ऐड कर रहे हैं विद द कंडीशन द इवेंट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एंड का जो फार्मूला है उसको आप इस तरह से कर रहे हैं कि यू आर मल्टीप्लाइंग द इंडिविजल प्रॉबिबिलिटीज और वो जो प्रोडक्ट है वो आपका आंसर है तो आइए अब स्लाइड पे वापस चलें यहां पे आपको एक एग्जांपल दी जा रही है और एग्जांपल क्या है कि 40% एक फैक्ट्री में वर्कफोर्स में 40% आर वेमेन और प्रोबेबिलिटी दैट अ वोमन इज चोजन एक सिलेक्शन प्रोसेस है वर्कफोर्स में से सम इंडिविजुअल इज बीइंग सिलेक्टेड तो इसको इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो टू बाई फाइव है और फिर एक और बात हमें बताई जा रही है कि 25% फाइव परसेंट फीमेल्स बिलोंग टू द मैनेजमेंट ग्रेड एंड थर्टी परसेंट ऑफ द मेल्स बिलोंग ऑल्सो टू द मैनेजमेंट ग्रेड तो सवाल यह है कि वट इज द प्रोबिलिटी दैट ए वर्कर सिलेक्टेड इज ए वमन फ्रॉम मैनेजमेंट ग्रेड तो इसको कैसे हम ऐसे सवाल को कैसे हल करेंगे यानी वट इज द प्रोबिलिटी दैट ए वर्कर सिलेक्टेड इज ए वमन

जहां पर दो डिफरेंट प्रोबिलिटीज हम वर्कआउट करेंगे और उन दो का प्रोडक्ट चूंकि एंड रूल यहां पर अप्लाई हो रहा है एंड की बात हो रही है कि साइमल्टेनियसली दीज टू थिंग्स मस्ट हैपन तो ऑब्वियसली एंड रूल विल अप्लाई और एंड रूल एज पॉइंटेड आउट कि आपने प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल प्रोबिलिटीज इस्तेमाल करना तो आइए देखते हैं इस सवाल को कैसे हल किया गया पहले इसका फॉर्मूला के प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ वुमन एंड दैट शी बिलोंग्स टू द मैनेजमेंट ग्रेड। तो इसको हम इस तरह से अब लिख रहे हैं दो हिस्सों में प्रोबेबिलिटी दैट इट्स अ वुमन मल्टीप्लाइड बाई द प्रोबिलिटी दैट शी बिलोंग्स टू द मैनेजमेंट ग्रेड तो ऐसे किया जा रहा है कि टोटल वर्क फोर्स की फिगर ली जा रही है दैट इज वन हंड्रेड फिर उसकी प्रॉबिलिटी जीरो पॉइंट फोर निकल आई फोर्टी परसेंट वहां पर वो फिगर नजर आ रही थी और मैनेजमेंट में फीमेल्स का जो शेयर था उससे ये फिगर निकली जीरो पॉइंट टू फाइव तो आंसर हमारा जो हमने कैलकुलेशन की कि प्रोबिलिटी दैट इट्स अ वन उसकी वैल्यू 0.4 उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्रॉबिलिटी दैट शी इज फ्रॉम द मैनेजमेंट ग्रेड तो वो प्रोबिलिटी 0.25 थी ये दो प्रोडक्ट्स को हमने मल्टीप्लाई किया और आंसर जीरो 0.1 फ्रैक्शन में और परसेंट में इसको आप हंड्रेड से मल्टीप्लाई करें तो टेन वैल्यू निकली तो हाउ डिड वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम लेट्स गो वर इट नाउ कि ये मेथड आपने देखा कि आपने कंडीशन लगा दी दो बातें जब इस किस्म की कंडीशन लगा दी जाएगी कि साइमल्टेनियसली ये दो इवेंट अगर होने चाहिए तो ये एंड रूल अप्लाई होता है यानी याद नहीं करना इसको जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि दो इवेंट हो रहे हैं और फिर साइमल्टेनियसली हम उसको कह रहे हैं जब साइमल्टेनियस अकरेंस होगी तो उसका प्रोबेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल अकरेंसेस उनका जो प्रोडक्ट है ये एंड रूल की डायरेक्ट एप्लीकेशन है तो आपने क्या किया कि यू वर्कड आउट द इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज एंड देन यू फिगर्ड आउट कि इनका प्रोडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल प्रोबिबिलिटीज क्या है जो रिजल्टेंट वैल्यू निकली फ्रैक्शन में उसको आपने हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर किया और वो आपके पास परसेंट प्रोबेबिलिटी आ गई तो ये पहली एप्लीकेशन आपने देखी एंड रूल की आइए आगे चलें अब आइए आपको एक और एस्पेक्ट दिखाया जा रहा है कि सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कि इसमें बिटवीन देम बिटवीन द इवेंट्स वे कवर ऑल पॉसिबिलिटीज एक पॉइंट ये एक्सक्लूसिव इवेंट जो इवेंट्स टुगेदर ऐड अप टू वन अब ये कोई मुश्किल बात नहीं है इसको, you, आपको ये याद हो जाए कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या है सबसे आसान एग्जाम्पल जिसमें दो इवेंट हैं के मसलन वही एग्जाम्पल के आप पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं तो ये तो सर्टेटी हो गई यानी दो इवेंट हैं कि अगर यह कहा जाए कि क्या पॉसिबिलिटी है कि आप या पास होंगे या फेल होंगे तो साफ जा रहा है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं अगर आपका चांस है आप कह रहे हैं मेरा तो चांस है एटी परसेंट मैं पास हो जाऊंगा तो अब ये चांस के आप पास होंगे या फेल होंगे ये तो हंड्रेड परसेंट है वो तो वन है प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली तो इस किस्म की सिचुएशन में अगर एक प्रोबेबिलिटी नोन है तो यू शुड नो के देंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट अकरिंग और द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट अकरिंग यानी जब आप उनको एड करेंगे तो यह मिलकर तो प्रॉबिलिटी वन के बराबर हो जाएगी अब यह तो एग्जाम्पल थी जहां पर इस टाइप का इवेंट था कि आई दर अकरिंग और नॉट अकरिंग अब अगर इस किस्म के इवेंट्स हों जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है अकर हो रहे हैं नॉन अकरेंस की बात नहीं हो रही तो वहां आप इसी तरह से करेंगे कि ऑल दोज इवेंट्स अगर सेट ऑफ इवेंट्स हैं और आप डिफाइन कर चुके हैं कि सिर्फ यही इवेंट अगर होंगे और कोई इवेंट नहीं है एंड ऑल दोज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो वहां पे भी एक्जैक्टली exactly यही बात होगी कि प्रोबेबिलिटी जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है डिफरेंट इवेंट्स की आप उनको सिंपली ऐड करेंगे एंड ऑल दोज प्रॉबिबिलिटीज एडेड टूगेदर

के जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेट ऑफ इवेंट्स हो तो उनको आपने उनकी इंडिविजुअल प्रॉबिलिटीज को फिर ऐड करना है एंड एडेड टूगेदर दे विल बी इक्वल टू वन तो आइए अब स्लाइड पे वापस चलते हैं ये आप देख रहे हैं कि पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस फिर शो किया जा रहा है पी एन यानी जितने मर्जी इवेंट्स हो और इट ड मैटर हाउ मैनी लेकिन अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उन सब की प्रॉबिलिटीज एड की जाएंगी एंड इट विल बीवल टू वन अब यहां आपको एक और टर्म से इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है एग्जॉस्टिव इवेंट एग्जॉस्टिव इवेंट क्या है कि ए हैपन्स और ए डज नॉट हैपन ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं इसमें अब सिर्फ टर्म की बात हुई कि इस ऐसे इवेंट जिनमें या अकर हो रहा है या नहीं अकर हो रहा तो इसको एग्जॉस्टिव इवेंट कहा जाता है और इसको इस तरह से लिखा जा रहा है कि पी ए हैपन्स प्लस पी दैट ए डज नॉट हैपन इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आंसर विल बी इक्वल टू वन तो इसकी एग्जाम्पल देखिए कि प्रोबेबिलिटी यू पास इज 90 परसेंट यानी 0.9 आपने लिखा प्रबिलिटी दैट यू फेल कैसे निकाला जा रहा है कि वन से आप माइनस कर रहे हैं तो यह क्यों कर रहे हैं यह मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि इस किस्म के जो एग्जॉस्टिव इवेंट हैं कि जब इवेंट हो रहा है या नहीं हो रहा तो इन दोनों को जब आप इनकी प्रॉबिलिटी को एड करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू वन तो अगर एक प्रॉबिलिटी नोन है तो ऑब्वियसली दूसरी इसी तरह से वर्कआउट की जाएगी कि वन से हम निकाल लेंगे मसलन यहां पे आपने एग्जांपल देखी कि प्रोबेबिलिटी दैट यू पास इज 90 परसेंट यानी फिगर इज 0.9 तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू फेल ऑब्वियसली 1 से आप 0.9 को माइनस करेंगे एंड द आंसर विल बी 0.1 पॉइंट वन और 10 परसेंट तो ये भी एक बड़ा ही अहम वेरी वेरी सिंपल बट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और जो भी प्रोबेबिलिटी के सवालात हैं प्रॉब्लम्स उनमें इसका बड़ा इस्तेमाल आप देखेंगे कि होता है एंड इट हेल्प्स अस टू वर्क आउट थिंग्स वेरी इजीली बड़ा ये एक आसान आसानी पैदा हो जाती है कैलकुलेशंस में तो आइए देखते हैं ये किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दी जा रही है कि एक प्रोडक्शन लाइन है उसमें तीन मशीन्स इस्तेमाल की जा रही हैं। चांस दैट द फर्स्ट मशीन ब्रेक्स डाउन इन एनी वीक इज वन बाई टेन चांस फॉर द सेकंड मशीन इज वन बाई ट्वेंटी चांस ऑफ थर्ड मशीन इज वन बाई फोर्टी तो व्हाट इज द चांस दैट एटलीस्ट वन मशीन ब्रेक्स डाउन इन एनी वीक इसको जरा फॉर्मुलेशन को काइंडली नोट करें कि एटलीस्ट वन मशीन यानी तीन मशीनों की बात हो रही है फिर उनके फिगर्स भी हमें दी गई इन एनी वीक ये प्रोबेबिलिटी है कि ब्रेक डाउन करें तो आइए इस सवाल को देखें कि कैसे इसको हैंडल किया गया तो अब यहां पे वो जो एग्जॉस्टिव इवेंट्स की बात हो रही है कि प्रॉबिबिलिटी एटलीस्ट वन नॉट वर्किंग एक ये और इसमें वो प्रॉबिलिटी दैट ऑल थ्री आर वर्किंग ये दो एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं एनी वन ऑफ द मिशीन्स इज नॉट वर्किंग और ऑल आर वर्किंग इसको ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स और इनकी प्रॉबिलिटी इज इक्वल टू वन तो यहां से वो आपकी आपने री राइट किया रीअरेंज रे किया प्रॉबिलिटी एटलीस्ट वन नॉट वर्किंग इज इक्वल टू वन माइनस प्रोबिबिलिटी दैट ऑल थ्री आर वर्किंग तो इसको फिर आप किस तरह से लिख रहे हैं कि प्रॉबिबिलिटी ऑल थ्री आर वर्किंग ये कैसे वर्कआउट करना है लेट मी एक्सप्लेन दिस नाउ के तीन इवेंट तो आपने वो एंड रूल अभी समझा कि जब तीन इस किस्म के साइमल्टेनियसली आप कह रहे हैं कि नॉट वर्किंग यानी एंड की कंडीशन होगी जरा इसको नोट करें कि लिखा तो जा रहा है कि ऑल थ्री नॉट वर्किंग तो असल में कैसे है कि मशीन वन नॉट वर्किंग एंड मशीन टू नॉट वर्किंग एंड मशीन थ्री नॉट वर्किंग तो ये क्लियरली एंड रूल है तो इसको इस सिचुएशन में जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन है मशीन वन की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन टू मल्टीप्लाइड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ मशीन थ्री तो यह बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड अब यहां से कैलकुलेशन हो गई कि इन तीनों की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज को जब मल्टीप्लाई करेंगे जो आंसर आएगा उसको वन से अगर हम निकाल दें तो हमारा जो कैलकुलेशन हम चाह रहे हैं कि एटलीस्ट वन ऑफ द मशीन्स उसकी वैल्यू हमारे सामने आ जाएगी तो आइए स्लाइड पे वापस चले कि यहां पे वर्किंग वाली प्रोबेबिलिटी जो है पी ऑल थ्री वर्किंग तो इंडिविजुअल की देखें आपके पी फर्स्ट वर्किंग इन टू पी वर्किंग इन टू पी थर्ड वर्किंग और फिर यहां से पी फर्स्ट वर्किंग आपने निकाल लिया और फर्स्ट वर्किंग कैसे आप निकाल रहे हैं कि उसकी वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है प्रॉबिलिटी नॉट वर्किंग की दैट इज वन बाई टेन ये आपको दी गई है तो आप ये वर्किंग की प्रॉबिलिटी यहां पर उलट अब निकाल रहे हैं कि फर्स्ट वर्किंग जो वैल्यू आपके पास थी उसको वन से आपने डिडक्ट किया यानी आपने नॉट वर्किंग की आपके पास इंफॉर्मेशन थी और आप इसको एग्जॉस्टिव इवेंट के तौर पे ट्रीट करके के बिल्कुल उसका ऑपोजिट प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कि वर्किंग तो वन माइनस वन बाई टेन तो सिमिलरली ये सेकंड वर्किंग वाली वैल्यू हमने निकाल ली फिर थर्ड वाली निकाल ली और फिर जो ऊपर हम कर चुके हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑल थ्री वर्किंग जहां पे वो तीनों मशीन्स का कि प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअल वर्किंग की हम प्रोडक्ट हमने निकालना है तो वो प्रोडक्ट अब वेल्यूज चूंकि हमारे सामने आ चुके हैं नाइन बाई टेन इंटू नाइनटीन बाई ट्वेंटी इंटू थर्टी नाइन बाई फोर्टी तो यह फिगर्स ट्रिपल डिवाइडेड बाई एट आ गई तो यह प्रोबिलिटी थी ऑल वर्किंग अब जहां से बात शुरू हुई है कि हमने इसको रिफ्रेज किया था कि एटलीस्ट वन नॉट वर्किंग जैसे हमने निकाल रहे हैं कि वन माइनस ऑल थ्री वर्किंग दिस इज हाउ वी आर फिगरिंग आउट दैट पॉसिबिलिटी तो अब वन से जब ये वैल्यू निकाल लेंगे तो ये आंसर वन थ्री थ्री वन डिवाइडेड बाय एट थाउजेंड आपके पास आ गया तो लेट्स सी के इससे हमने क्या बात नोट करनी है क्या खास बात है इस एग्जांपल में तो इसमें कपल ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इस, इस किस्म के सवाल आपने देखा कि आपको जिस तरह से डेटा दिया गया वो डेटा तो था नॉट वर्किंग वाला अब हमने डिसाइड किया कि इसको इस तरह से हम जो आंसर निकालना है इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि वन माइनस ऑल थ्री वर्किंग अगर हम निकालें तो आंसर आ जाएगा बट वी डोंट हैव दैल्यूज ऑल थ्री वर्किंग जो थी आई एक्सप्लेन के एंड वाला फॉर्मूला है तो इट मीन्स कि हमारे पास प्रोबिलिटी फिर होनी चाहिए प्रोबिलिटी ऑफ मशीन वन वर्किंग इंटू प्रोबिलिटी ऑफ मशीन टू वर्किंग इंटू प्रोबिलिटी ऑफ मशीन थ्री वर्किंग बट वी ओनली हैव द प्रोबिलिटी ऑफ द मशीन नॉट वर्किंग तो हमने हर केस में एग्जॉस्टिव इवेंट का आइडिया इस्तेमाल करके तो जो प्रोबिलिटी ऑफ वर्किंग है उसको वैसे निकाला वन माइनस प्रोबिलिटी नॉट वर्किंग तो वो जो वन बाई टेन की वैल्यू थी नाइन बाई टेन आ गई सिमिलरली दूसरी वैल्यूज वन से हमने सब्ट्रैक्ट करके तो तीन वैल्यूज हमने निकालने ऑल द थ्री मशीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच वर्किंग और तीनों को फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस प्रोडक्ट ने हमें प्रॉबिलिटी दे दी के प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल थ्री मशीन वर्किंग और इसको जब वन से माइनस कर रहे हैं तो दिस इज गेमिंग एस द प्रोबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन मशीन

वाला वो इस्तेमाल हुआ और सिर्फ असल बात जो है वो ये है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम यू हैव टू फ्रेस द प्रॉब्लम इन सच ए मैनर कि आपके पास जो डेटा है आप उसको डराइव कर सकें और मैं आपको एक टिप यहां देना चाहता हूं कि जेनली यू लोकेटेड ऐसे सवाल आज में अगर प्रोबेबिलिटी दी हुई है तो हो सकता है कि कि उसका ऑपोजिट वैल्यू हम निकाल के तो अपना आंसर निकाल सकें फिर ये आइडियाज एग्जॉस्टिव ये तीन फॉर्मूले ही हैं को ज्यादा फॉर्मूले तो है नहीं या और है या एंड है या ये एग्जॉस्टिव दीज आर द ओनली थ्री पॉसिबिलिटीज तो इसको सिर्फ जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको सेंसिवली हमने एक्सप्लेन करना है अंडरस्टैंड करना है रीअरेंज करना है और फिर डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ दिस फॉर्मूले। तो इस सवाल को इस एग्जांपल को जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ये बड़ी अच्छी एग्जांपल है बड़ी इंपॉर्टेंट वेरी सिंपल येट इट हैज यू नो दोज एलिमेंट्स टू टेस्ट योर कॉन्सेप्ट ऑफ पबिलिटी इसको आप मैं सजेस्ट करूंगा कि खुद इसको आप हल करें दोबारा ताकि आपको समझ आए कि इस किस्म के प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम्स कैसे हल होते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने देखा प्रोबेबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और रूल एंड रूल एग्जॉस्टिव इवेंट्स क्या होते हैं और वो बात जो मैंने शुरू में पॉइंट आउट की कि वेरी सिंपल कॉन्सेप्टेट्स यू हैव टू फिगर आउट हाउ प्रॉब्लम्स आर टू बी रिजॉल्व हाउ कैल्कुलेशन आर टू बी मेड तो ये हमारा एक अच्छा इंट्रोडक्शन था विथ प्रोबिलिटी थेरी ऑब्वियसली दिस जस्ट द बिगिनिंग इट्स ए वेरी एक्सटेंसिव सब्जेक्ट इस कोर्स में हम इसको इस हद तक ही कर रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक दो एग्ज़ाम्पल्स प्राइबिलिटी की मैं आपको हेस्टी रिव्यू के तौर पे फिर दिखाऊंगा बट वी हैव टू गेट ऑन विद मोर अदर टॉपिक्स जो हमारे कोर्स में शामिल हैं और जिसमें खास तौर पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्राइबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस क्या हैं किस तरह से उनको इस्तेमाल हमने करना है और उनका उनकी बेसिक फाउंडेशन भी प्रोबेबिलिटी ही चुके हैं तो इसलिए हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम प्रोबेबिलिटी को अच्छी तरह से समझें इसको इसके डिफरेंट प्रॉब्लम्स हल करें इसके कॉन्सेप्ट्स को बार बार रिव्यू करें प्रैक्टिस करें तो आज मैं इस पॉइंट पे इस लेक्चर को क्लोज कर रहा हूं और फिर आपको तल्किन कर रहा हूं रिमाइंडर के डू एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस प्रोबेबिलिटी के जो कॉन्सेप्ट आज एक्सप्लेन किए गए इमीडिएटली आप इनको स्टडी करें अनलेस यू डू दैट यू वॉन्ट बी एबल टू फॉलो रेस्ट ऑफ द कोर्स जिसमें प्रोबेबिलिटी का बहुत एक्सटेंसिव इस्तेमाल है तो इस पॉइंट पे विद दिस नोट मैं आज का लेक्चर खत्म कर रहा हूं स्टूडेंट्स आज आपने देखा कि कितनी दिलचस्प है प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स सिंपल बड़े एलिगेंट और बड़े ही डेलिकेटली इंट्रिकेट और सॉल्यूशंस। सो मेरा रिमाइंडर आपको कि प्लीज़ कंटिन्यू वर्किंग विद दीस कॉन्सेप्ट सीरियसली आज के लिए इतना ही अगले लेक्चर तक इजाज़त दीजिए अलैक्म खुदा हाफिस